हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ सिर्फ दूध और चीनी से तैयार होने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मिठाई है कलाकंद। ये बहुत ही दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इस दानेदार और सॉफ्ट मिठाई को आप किसी भी ओकेज़न पर या कभी भी भगवान के भोग के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए बिना देर किए कलाकंद की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हमें गैस की फ्लेम को हाई करना है, क्योंकि दूध को हमें उबालना है। यदि आप पहले ही दूध को एक बार उबाल कर रख चुके हैं तो आपको उसे दोबारा उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे गर्म करके छेना तैयार कर सकते हैं। दूध से छेना बनाने के लिए दूध को हम फाड़ कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वाइट विनेगर। छेना बनाने के लिए व्हाइट विनेगर की जगह पर लेमन जूस भी ऐड किया जा सकता है। विनेगर को कभी भी डायरेक्टली दूध में ऐड नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी ले रही हूँ और इसमें 2 बड़ी चम्मच व्हाइट विनेगर ऐड करूँगी। यदि आप डायरेक्टली विनेगर दूध में ऐड कर देंगे तो छेना काफ़ी सख्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने फुल फैट दूध लिया है, इसीलिए दूध को उबालते समय इसे इस तरह से 1 से 2 बार स्टिर कर दें ताकि इसमें मलाई ना बन पाए। अब दूध में उबाल आ चुका है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। पनीर बनाने के लिए दूध को हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर छेना बनाने के लिए हमें दूध को ठंडा नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वाइट विनेगर वाला सॉल्यूशन ऐड कर लिया है। अब इस तरह से आपको दूध को स्टिर करना है। दूध एक साथ नहीं फटता है, देखिए अब ये थोड़ा सा फटना स्टार्ट हुआ है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सॉल्यूशन और ऐड करूँगी। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ही सॉल्यूशन ऐड करना है और दूध को इस तरह से स्टिर करते रहना है जब तक कि दूध पूरी तरह से न फट जाए। दूध अभी पूरी तरह से फट चुका है, अब इसे हमें तुरंत ही स्ट्रेन कर लेना है। दूध के अच्छे से फटने के बाद यदि आपने इसे इसी तरह से पानी में ही रहने दिया तो इसका छेना काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको तुरंत ही करना है। एक स्ट्रेनर पर इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा रखकर आप छेने को इस तरह से स्ट्रेन कर सकते हैं। अभी ये जो दूध का पानी बचा हुआ है इसे आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है। आप इसे सब्जी की ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं, इससे आटा गूंथ कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दूध के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। छेने पर ठंडा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। पानी से वॉश करने के बाद इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसके पानी को स्क्वीज करना है। जिस तरह से हम पनीर बनाते हैं उसे दबा कर रखते हैं, यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। बस इसी तरह से स्पैचुला से इसके पानी को स्क्वीज कर देना है। तो ये देखिए दानेदार छेना तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ये छेना काफ़ी रफ है, इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा मैश करना है। इसे मैश करने के लिए आप पोटैटो मैशर, फॉक या फिर ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। छेने को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लिया है। कलाकंद बनाने के लिए छेना तो तैयार हो चुका है, अब हम आगे की प्रेपरेशन कर लेते हैं। इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 ट्रे। इसे सेट करने के लिए आप घर पर अवेलेबल किसी भी प्लेट या थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से अच्छी तरह से घी से ग्रीस करके रख देना है। ट्रे को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ भी मैंने फुल फैट दूध का ही प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर दानेदार कलाकंद बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर छेना बनाने के लिए दूध ज़्यादा लिया है और मलाई बनाने के लिए मैंने दूध की क्वांटिटी सिर्फ 1/2 लीटर ही रखी है। यदि आप कलाकंद में क्रीमी टेक्सचर लाना चाहते हैं तो 1 लीटर दूध से आप छेना बना कर लें और 1 लीटर दूध से आप मलाई बना कर लें। दूध में उबाल आने के बाद मलाई बनाने के लिए या तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें और धीरे धीरे मलाई को बनने दें और बीच बीच में इसे स्टिर करते रहें, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप गैस की फ्लेम हाई रख सकते हैं, लेकिन तब आपको दूध को लगातार स्टिर करते रहना होगा। अब इस दूध को उबालकर हमें मलाई की कंसिस्टेंसी मिलाना है। जिस तरह की मलाई से आप कुल्फी जमाते हैं ठीक उसी तरह की मलाई हमें यहाँ पर तैयार करनी है। दूध उबलते हुए अब काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप मलाई को इस तरह से स्पैचुला से भी चेक कर सकते हैं।
मलाई स्पैचुला पर अच्छी तरह से कोट हो रही है, तो ये मलाई की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैं यहाँ पर 1/4 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कलाकंद थोड़ा कम मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। अब गैस की फ्लेम लो करके शुगर को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। शुगर के पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद ही इसमें पनीर ऐड करना है। यदि आपने पहले ही पनीर ऐड कर दिया तो शुगर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगी। अब शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें छेना ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 क्रश की हुई इलायची। इलायची को आप फ्रेश क्रश करके लेना, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से प्रेस करते हुए मिक्स करना है और इस समय आपको गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाला कलाकंद कई बार बहुत अच्छा होता है और कई बार बहुत ख़राब होता है। ख़राब होने का कारण यही होता है कि या तो ये काफ़ी टाइम का रखा हुआ है, या फिर इसे बनाने के लिए जो छेना यूज़ किया गया है वो काफ़ी पुराना यूज़ किया गया है, इसी कारण से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप इसे घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत उम्दा आता है, क्योंकि घर पर बनाते समय हम दूध और छेना दोनों ही फ्रेश यूज़ करते हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसे हम ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मिक्सर काफ़ी गर्म है, इसीलिए इसे स्पैचुला की हेल्प से ही इवनली स्प्रेड कर देना है और स्पैचुला से ही हल्का हल्का इसे आप प्रेस कर दें। कलाकंद को बहुत पतला नहीं बनाया जाता है, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी मीडियम ही रखी जाती है, इसीलिए मैंने इसे पूरी ट्रे में स्प्रेड नहीं किया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ। पिस्ता के साथ ही थोड़े से बादाम भी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे पीसेस में कट करेंगे। आप इसे जल्दी से साइड करना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। ठंडा करने के बाद नाइफ की हेल्प से इसे हम पीसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ दूध और शुगर से बनकर तैयार होने वाली ये कलाकंद मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें मैंने शुगर का भी बहुत ही कम यूज़ किया है, इसीलिए ये पूरी तरह से हेल्दी भी है और मार्केट के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही बढ़िया है। मार्केट में मिलने वाली मिठाइयाँ काफ़ी लंबे समय से स्टोर करके रखी जाती हैं, ऐसे में वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाती हैं, लेकिन घर पर बनाई हुई मिठाई बिल्कुल फ्रेश होती है, हाइजीनिक होती है। और ये देखिए, दानेदार होते हुए भी ये बहुत ही सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही खुलने वाला है। तो कलाकंद की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें।